गाइस, ERM Intech, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर अ टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात किया था मोटर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मोटर के बारे में, मोटर्स पार्ट के बारे में, मोटर रेटिंग्स के बारे में और मोटर टेस्ट के बारे में। उस वीडियो को जरूर देखिएगा गाइस, तो आपको बिल्कुल भी आसानी से मोटर के बारे में समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शंस के बारे में कि मोटर में स्टार डेल्टा कनेक्शंस क्या होता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस, क्योंकि आपको समझना बेहद ही जरूरी है कि स्टार डेल्टा कनेक्शंस क्या होता है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं या आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि स्टार डेल्टा कनेक्शंस क्या होता है मोटर का। हम कैसे करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शंस, हम क्यों करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शंस, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, ताकि आपके लिए इस तरीके का वीडियो हम लाते रहें और उससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद फिर लाइक कीजिए गाइस। तो आइए हम देखेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शंस मोटर का क्या होता है, जो कि हम लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है। स्टार डेल्टा कनेक्शंस अगर आप 10 इंटरव्यू में जाते हैं तो कम से कम 8 इंटरव्यूअर आपसे स्टार डेल्टा कनेक्शंस के बारे में जरूर पूछेगा, इसलिए स्टार डेल्टा कनेक्शंस हम लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है गाइस। तो आइए देखते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शंस हम लोग क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, क्या रीजन है कि हम लोगों को स्टार डेल्टा कनेक्शंस करना पड़ता है। गाइस, जितने भी मोटर हैं वो सारे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट किए जाते हैं। अगर उन मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसको DOL के थ्रू स्टार्ट किया जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन के थ्रू स्टार्ट किया जाता है। लेकिन अगर बड़े मोटर को हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि वोल्टेज सप्लाई में डिस्टर्बेंस होने लग जाता है और बहुत ज्यादा करेंट इंगर्स करने लगता है, जिसके वजह से डायरेक्ट ऑनलाइन बड़े मोटर को हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको स्टार डेल्टा कनेक्शंस करना जरूरी होगा गाइस। उससे पहले हम जानेंगे कि किन मोटर को स्टार डेल्टा कनेक्शन करना चाहिए और किन मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन करने से हमारा काम पूरा हो जाएगा। गाइस, अगर 5 HP से मोटर नीचे है तो उसको हम DOL से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारा मोटर 5 HP के ऊपर है तो हम उसे स्टार डेल्टा कनेक्शंस करते हैं, उसके बाद उस मोटर को स्टार्ट करते हैं। लार्ज इंडक्शन मोटर, जो बड़े इंडक्शन मोटर होते हैं जिसमें हम स्टार डेल्टा कनेक्शंस करते हैं, वो क्या करता है कि लो वोल्टेज पे, रिड्यूस वोल्टेज पे उसको हम स्टार्ट करते हैं और जब वो अपने रेटेड स्पीड पे पहुंच जाता है तब वो रेटेड सप्लाई वोल्टेज पे रिकनेक्ट हो जाता है। तो ये रिड्यूस वोल्टेज पे मोटर को स्टार्ट करने के 2 मेथड रहेगा इस, पहला है स्टार डेल्टा कनेक्शन मेथड और दूसरा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टार डेल्टा कनेक्टर मेथड। गाइस, उससे पहले फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक भी कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। इस चीज को हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है कि स्टार क्या है और डेल्टा क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टार क्या है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं गाइस, ये स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं गाइस। इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा कि स्टार कनेक्शन किस तरीके का होता है, उसे बना के दिखाइए। तो स्टार कनेक्शन आप इस तरीके से बना करके दिखा सकते हैं। पहला मेथड ये है स्टार कनेक्शन बनाने का, जो कि टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है ABC और ये बीच में गाइस न्यूट्रल पॉइंट दिया हुआ है। और दूसरा मेथड है स्टार डेल्टा कनेक्शंस को बनाने का, आप इमेज में देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है और टर्मिनल सी है। तो ये 2 तरीके से हम स्टार डेल्टा कनेक्शंस बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार में क्या होता है और डेल्टा में क्या होता है। तो आइए जानते हैं स्टार में क्या होता है। गाइस, स्टार में IL=IPH होता है, मतलब लाइन करंट जो है वो फेज करंट के बराबर होता है। और VL=√3VPH होता है, मतलब VL लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है।
और इसमें जो पावर होता है √3 × VL × IL × cos φ होता है। तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल भी याद रखे गाइस कि स्टार कनेक्शंस में IL = IPH होता है, VL = √3 VPH होता है और P = √3 IL VL cos φ होता है। तो ये स्टार कनेक्शंस का फॉर्मूला आप बिल्कुल भी याद रखिए कि स्टार कनेक्शंस में ये फॉर्मूले होते हैं। आइए गाइस अब हम जानेंगे डेल्टा कनेक्शंस क्या होता है, डेल्टा कनेक्शंस के बारे में। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शंस को हम दो तरीके से बनाते हैं। पहले कुछ इस तरीके का डेल्टा कनेक्शंस होता है जो कि टर्मिनल ए है, बी है, सी है। इस डेल्टा कनेक्शन में गाइस न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल केवल स्टार कनेक्शंस में होता है। तो अगर क्लाइंट आपको कभी भी कहे कि डेल्टा कनेक्शंस का डायग्राम बनाओ तो आप इस तरीके से डेल्टा कनेक्शंस का डायग्राम बना सकते हैं। गाइस अब हम देखेंगे कि डेल्टा कनेक्शंस में क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा कनेक्शंस क्या होता है। तो डेल्टा कनेक्शंस में VL = VPH होता है, मतलब लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और IL = √3 IPH होता है, और P = √3 VL IL cos φ होता है। तो गाइस ये डेल्टा कनेक्शंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VL, IL और P क्या होता है ये आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है। स्टार कनेक्शंस में क्या होता है और डेल्टा कनेक्शंस में क्या होता है। गाइस आइए हम देखते हैं स्टार कनेक्शंस और डेल्टा कनेक्शंस का डिफरेंस, देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। तो पहला डिफरेंसेस ये होता है गाइस, तो स्टार कनेक्शंस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, IL = IPH, VL = √3 VPH और P = √3 VL IL cos φ। तो ये फॉर्मूला याद रखिए गाइस। गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे डेल्टा कनेक्शंस में क्या होता है। डेल्टा कनेक्शंस में VL = VPH होता है, IL = √3 IPH होता है और P = √3 IL VL cos φ होता है। तो ये पहला डिफरेंस है स्टार कनेक्शंस और डेल्टा कनेक्शंस में गाइस। तो दूसरा पॉइंट में हम देखें गाइस, दूसरा पॉइंट में स्टार कनेक्टेड में न्यूट्रल पॉइंट होता है लेकिन डेल्टा कनेक्टेड में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। तीसरा पॉइंट अब हम देखेंगे गाइस, तीसरा पॉइंट में स्टार कनेक्टेड में मोटर का स्पीड जो होता है वो स्लो होता है क्योंकि वो रिसीव करता है 1/√3V। डेल्टा कनेक्टेड में स्पीड जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टार कनेक्टेड। स्टार कनेक्टेड में इंसुलेशन रिक्वायर्ड लो होता है क्योंकि इसमें वोल्टेज लो होता है गाइस, और डेल्टा कनेक्टेड में जो इंसुलेशन रिक्वायर्ड होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि उसमें वोल्टेज हाई होता है। तो ये था दोनों के डिफरेंस गाइस, स्टार कनेक्टेड का और डेल्टा कनेक्टेड का। आइए गाइस अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर का। स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर, जिसको रिले भी कहा जाता है। 10 एम्पियर से लेकर के 100 एम्पियर तक का भी हो सकता है या उससे भी ज्यादा का गाइस। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर, जो कि 3 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर होता है और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर होता है। उसके बाद गाइस होता है थर्मल ओवरलोड रिले, जो कि वाइंडिंग को जलने से बचाता है। जब वाइंडिंग ज्यादा हीट हो जाता है तो उसको वो डिस्कनेक्ट कर देता है गाइस। उसके बाद अगला कंपोनेंट होता है टाइमर, जो टाइमिंग के हिसाब से क्या होता है कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है, तो टाइमर का भी यूज होता है गाइस। नेक्स्ट है पुश बटन। पुश बटन भी एक कंपोनेंट है स्टार डेल्टा स्टार्टर का, जिससे हम लोग नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज करते हैं गाइस। तो आइए देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का ये ब्लॉक डायग्राम है, जिसको आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है। इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ये डायग्राम में क्या क्या है गाइस। इस डायग्राम को बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि अगर आप 10 इंटरव्यू देते हैं गाइस तो 9 इंटरव्यू में क्लाइंट आपसे पूछेगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का ब्लॉक डायग्राम बनाओ, कैसे बनाओगे। तो गाइस इस डायग्राम को याद रखिए गाइस। ये डायग्राम स्टार डेल्टा स्टार्टर का है, इसमें RYB 3 सप्लाई है। उसके बाद गाइस सबसे पहले इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि R है जो कि रेड फेज है, Y है और B है, 3 फेज है जो कि सप्लाई से कनेक्टेड है। उसके बाद एक MCC भी कनेक्टेड है। उसके बाद गाइस टाइमर ओवरलोड रिले कनेक्टेड है। उसके बाद 3 कॉन्ट्रैक्टर कनेक्टेड है, मेन कॉन्ट्रैक्टर, डेल्टा कनेक्टेड और स्टार कॉन्ट्रैक्टर।
उसके बाद गाइस एक थ्री फेज का मोटर कनेक्ट है। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इस मोटर में 6 टर्मिनल है, U1, V1, W1 और U2, V2, W2। गाइस सबसे पहले क्या होता है, मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर की सर्किट क्लोज हो जाती है, जो कि मोटर जो है मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर पे रन करता है। कुछ टाइम के बाद टाइमर सर्किट जो है वो ऑन रहती है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि स्टार कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर कनेक्ट हो जाता है एक रेटेड स्पीड पे पहुंचने के बाद। गाइस फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि हम स्टार डेल्टा कनेक्शंस क्यों करते हैं, क्योंकि बड़े मोटर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इनरश करंट प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से मोटर जलने की संभावना हो जाती है, इसलिए हम लोग स्टार डेल्टा कनेक्शंस का यूज करते हैं। तो गाइस जब मोटर एक रेटेड स्पीड पे पहुंच जाता है तो मोटर डेल्टा कनेक्टेड में रन करना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो अपने एक रेटेड स्पीड पे पहुंच जाता है। गाइस आइए अब हम देखते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि किसी भी मेथड को हम यूज करते हैं रिड्यूस वोल्टेज के लिए, तो सबसे चीप मेथड यही है जो कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइस कि स्टार डेल्टा का जो टॉर्क और करंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बहुत ही बेटर होता है दूसरे के कंपैरिजन में। इसमें गाइस टैप चेंजिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती है, ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें टैप चेंजिंग नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइस, सबसे अच्छा एडवांटेज ये है इसका जो डिजाइन है बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन इसका नहीं है। आइए गाइस अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ 6 टर्मिनल मोटर के लिए ही यूज किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर कोई भी मोटर 6 टर्मिनल से कम का रहेगा तो उसमें हम स्टार डेल्टा कनेक्शंस यूज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है गाइस कि इसमें 2 सेट ऑफ केबल की जरूरत पड़ती है, एक स्टार की और दूसरा डेल्टा की, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो गाइस ये था स्टार डेल्टा कनेक्शंस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोटर फॉर्मूला के बारे में और मोटर कंपनी के बारे में, जो कि अक्सर इंटरव्यूअर द्वारा यह पूछा जाता है कि मोटर की कंपनी कौन सी है और मोटर का फॉर्मूला तो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलिएगा गाइस, और मेरी पिछली वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, ताकि मोटर पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है मोटर्स के बारे में, मोटर पार्ट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मोटर के बारे में, मोटर रेटिंग के बारे में और मोटर टेस्टिंग के बारे में, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।